तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा आज 87 वर्ष के हो गए हैं। निर्वासित तिब्बत सरकार द्वारा मैक्लोडगंज स्थित बौद्ध मंदिर में दलाई लामा का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और केक भी काटा गया। कार्यक्रम में हॉलीवुड स्टार रिचर्ड गेरे और निर्वासित तिब्बत सरकार के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर भी आने वाले थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से नहीं आ पाए, इसलिए उनकी जगह वन मंत्री राकेश पठानिया ने कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से जुड़कर तमाम लोगों को संबोधित किया। स्वस्थ रहें और आप सबके और हम सबके बीच में हम सबका इस सेवा में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान जिस प्रकार से वो दे रहे हैं, इस को वो जारी और प्रसन्नता के साथ साथ जब मैंने उनको कि जिस प्रकार से एक उम्र के एक दौर में मानवता का संदेश दे रहे हैं, सेवा का संदेश दे रहे हैं, अपने सद्भाव के साथ काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उसके लिए मैं आदरणीय धर्मशाला में विशेष तौर से और मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि दया का भाव करते हैं और हम सब लोग भी तिब्बत की संस्कृति को भी सम्मान करते हैं। इस संस्कृति और संस्कार के साथ उपयोग करके सदैव जो है वो काम करने के लिए हमको पूरी दुनिया में एक उत्सव है और हिज होलीनेस जो एक एम्बेसडर ऑफ पीस हैं इस पूरी दुनिया के अंदर, आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा गर्व का विषय है कि वो धर्मशाला और हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने खुद यहाँ पर चल के आना था, पर मौसम बहुत ख़राब था, सुबह उनका हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर सका और मुझे उनके उन्होंने कहा था कि आप परसों वहाँ जाएँगे और मेरे ब्याह पे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हिज होलीनेस के जन्मदिन पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लाइव टेलीकास्ट से अपना जो है मैसेज यहाँ पर दिया है, मैं उनके ब्याह पे यहाँ पे बधाई देने के लिए आया। ये एक्सटर्नल अफेयर्स का मामला है, इसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा, पर एक स्ट्रगल जो है जिसके अंदर कई सालों से हमारा देश इस मूवमेंट में साथ खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन तिब्बतियों को जो है वो इंसाफ मिलेगा। मेरा नाम नूरबू, आज हम लोग बिल्कुल बहुत शुभ दिन बड़ी दिन मना रहा है हम लोग का, सब लोगों के चाहे दुनिया विश्व में सारे लोग आज गुरु जी का बर्थडे मना रहा है, बहुत ही खुशी से मैं देख रहा हूँ। चीन सर, चीन तो हमारे है, वो मेरा दुश्मन है,
लेकिन अभी जब हमारे जो गुरुजी ऐसे उनको गुरु ये दुश्मन का तरह नहीं दिखता, सब लोग को एक तरह दिखता है। वैसे चीन भी तो सब विश्व में उनकी जो ये विरोध हो रहा, तो वो भी सोचना चाहिए कि अभी सुधर जाए, बहुत बढ़िया है। वहीं शिमला में भी तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का जन्मदिन पूरी धूमधाम के साथ मनाया गया। Thank you.